मिस दिखने में मजा आएगा। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर के हैं, एक मेडन, 12 रन इन्होंने खर्च किए हैं, विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम नहीं आया। वहीं सिराज भी अभी तक विकेटलेस है, 4 ओवर इन्होंने भी किए हैं और 28 रन मोहम्मद सिराज। यहाँ पर सिराज के खिलाफ बेसबॉल क्रिकेट खेलने की पूरी कोशिश की गई और इंग्लैंड काफी हद तक कामयाब हो भी गया था, क्योंकि शुरुआत इंग्लैंड को बेहद शानदार मिल गई थी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के लिए अश्विन नाम का काल आता है। 8 ओवर 20 रन, 2 बल्लेबाजों को इन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। रविंद्र जडेजा की बात करें, 1 विकेट इन्हें भी मिली 34 रन खर्च करके। अक्षर पटेल ने भी गेंदबाजी की 4 ओवर और 13 रन खर्च किए अक्षर पटेल ने भी। ये अब तक का स्कोर कार्ड है, इंग्लैंड 108 रन बना चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों ने ही कमाल की गेंदबाजी की है और अब वो जो रफ पैचेस जो थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं ना, वो अभी से ही दिखने शुरू हो गए अखिल, ये आगे जाकर बहुत परेशान करने वाले हैं। मतलब स्पिन को मदद मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि जहां पे टप्पा पड़ेगा वहां पे स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं रहेगा। अभी एक दो ओवर पहले जब जडेजा ने गेंद डाली थी वो रफ पे पड़ के ही बहुत ज्यादा टर्न हुई थी, बाउंस भी उस गेंद में अच्छा था, वहां से लग रहा था कि ये टेस्ट मैच पहले दिन वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, लेकिन इतनी ज्यादा स्पिन होगी गेंद अब देखने को मिल रही है। कल तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हैदराबाद में टर्न देखने को नहीं मिलेगा, उतना स्पिन को मदद नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तक देख लीजिए सूरत हाल कुछ ऐसा है कि 108 पर 3 विकेट हो चुके हैं और 3 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए हैं, 2 विकेट अश्विन, 1 विकेट जडेजा और इस जोड़ी ने इतिहास भी रच दिया है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में इन्होंने एज अ पेयर 502 विकेट ले लिए हैं। पिछला जो रिकॉर्ड था हरभजन सिंह और अनिल कुंबले के नाम पे था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये वाकई में एक नई हिस्ट्री अश्विन और जडेजा ने कायम कर दी। बिल्कुल, और अश्विन और जडेजा ने हिस्ट्री कायम की, लेकिन फेवरेट जो कैच पकड़ा ना सिराज ने, मेरा तो वही था फेवरेट मोमेंट, जैक क्रॉली को आउट करने के लिए अश्विन की वो गेंद थी, लेकिन सिराज का कमाल का कैच था वो। क्या कहेंगे उस कैच के बारे में, थोड़ा विवाद भी हुआ था, मतलब अंपायर ने पहले टीवी अंपायर के पास गए चेक किया कि कैच क्लियर था या नहीं था, लेकिन वाकई में मोहम्मद सिराज ने बड़ा अच्छा कैच, लो कट था, जैक क्रॉली ने लो कट शॉट खेला था उस पर, अच्छा कैच सिराज ने, बहुत अच्छा कैच, बिल्कुल बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया सिराज ने और जैक क्रॉली आउट हो गए। उसके बाद बेन डकेट भी देखे यहाँ पर कुछ खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, 35 रन उन्होंने बनाए, तेज गति से बनाए, 39 गेंदों में 35 रनों की पारी बेन डकेट ने खेली। जैक क्रॉली ने 20 रन बनाए हैं, ओली पॉप जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे शुरुआत से, पहली गेंद से स्ट्रगल कर रहे थे, 1 रन बनाकर आउट हुए 11 गेंदे के लिए, लेकिन जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, अब इस पार्टनरशिप को तोड़ना टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 48 रनों की ये पार्टनरशिप हो चुकी है 77 गेंदों में अखिल। अच्छा शुरुआत में भी अगर आप देखें इस पार्टनरशिप में वापस आऊंगा, लेकिन 55 रनों का जो स्टार्ट था उसमें आप देखें 40 गेंदे जैक क्रॉली ने खेली, बेन डकेट 39 में 35 किए, लेकिन एक समय उनका स्कोर 35 बॉलों में 20 या ऐसा कुछ था, लगातार जो चौके लगा रहे थे ना, 7 चौके उन्होंने लगाए, 3 चौके जैक क्रॉली ने लगाए, उसको देख के लग रहा था कि ये वाकई में अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये विकेट यहाँ पे मिलाई अश्विन ने, पहली सफलता उनको मिली, डकेट को आउट किया, ऑफ स्टंप के बाहर, गुडलैंड गेंद थी जिसके स्पिन के खिलाफ डिफेंस करने गए और अपना विकेट गवाया, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में मजा आने वाला है, इस मैच में मजा आने वाला है क्योंकि जो रूट है 35 गेंदे खेल चुके हैं और जॉनी बेयरस्टो 44 गेंदे 32 रन, थोड़ा अटैकिंग अप्रोच आप उनकी कह सकते हैं, 5 चौके हैं और 73 का स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट। चिराग अब इंडियन टीम को विकेट की दरकार है। बिल्कुल अब इंडियन टीम को विकेट की दरकार है क्योंकि 50 के आसपास की ये पार्टनरशिप पहुंच चुकी है और हम सभी जानते हैं कि जो रूट और जॉनी बेयरस्टो किस तरीके के बल्लेबाज हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं, और एक बार टिक गए तो फिर ना सिर्फ इनकी विकेट लेना मुश्किल है बल्कि तेज गति से रन बनाते जाएंगे और वो जो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है वो भी फिर टीम इंडिया पर आ जाएगा। आने वाले बल्लेबाज भी इनके पास देखिए ना, बेन स्टोक्स हैं, बेन फोक्स हैं, विकेट कीपर हैं, बेन स्टोक्स भी आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं, जब से कप्तान बने हैं, जब से कोच ब्रेंडन मैककलम आए हैं, डिफेंसिव अप्रोच उनकी देखने को नहीं मिलती, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के लिए जो बड़ी विकेट है मेरे हिसाब से जॉनी बेयरस्टो की है, बिल्कुल खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, 44 में 32, 5 विकेट, 5 चौके उनके बल्ले से निकले हैं और मुझे लग रहा है कि अगले सेशन में अश्विन का शिकार होने वाले हैं। बिल्कुल, अश्विन और जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की और यहाँ पर ना सिर्फ देखिए टर्न है, बाउंस भी बहुत अच्छा स्पिनर्स को यहाँ पर मिल रहा है, कोई गेंद होती है रफ पे पड़ के बहुत ज्यादा बाउंस ले रही है, उछल रही है, जो बल्लेबाजों को परेशान भी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन केएस भरत की तारीफ करनी होगी, अभी तक बहुत अच्छी विकेट कीपिंग उन्होंने की है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके की विकेट कीपिंग केएस भरत से देखने को मिलती रहेगी, लेकिन कमाल की अच्छी लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये 108 रन है, थोड़े से ज्यादा जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सेशन आएगा, एक वो ऐसा पैच आएगा बुरा मुझे लग रहा है इंग्लैंड का, जहां पर काफी सारे विकेट्स गिरते चले जाएंगे। तो मतलब अभी भी 350 मानोगे कि बना देगा इंग्लैंड? बना देगा, बना दे, अरे यार आपको क्या लगा, ये जज्बा सही है, 48 रन की पार्टनरशिप हो गई है यार, यार पार्टनरशिप तो 55 रन की भी हुई थी, उसके बाद गुच्छों में विकेट गिरे, लगातार 3 विकेट गिरे, 60 रन पे 3 विकेट हो गया था स्कोर, लेकिन
खैर इंपॉर्टेंट है जॉनी बेस्टो का विकेट लेना, और जैसे चिराग ने कहा कि रफ पैचेस में अगर बॉल पड़ेगी तो वहां पे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अखिल मुझे लगता है कि ना तेज गेंदबाजों से ना थोड़ी सी और आपको गेंदबाजी करवानी पड़ेगी, ताकि वो जो पैचेस है ना वो थोड़े से और खुले, थोड़े से और वहां पर पैचेस बने, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जब भी तेज गेंदबाज लगातार गेंदे डालते हैं तो वहां पर जो उनके फुटमार्क्स होते हैं वो वाले जो पैचेस बनते हैं वहां से फिर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन बहुत सारी अच्छी गेंदे डालते हैं, बाउंस भी मिलता है, टर्न भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत ओवर्स यहाँ पर अभी बुमराह और सिराज को मिलने चाहिए। अब सेकंड सेशन में देख सकते हैं, आपकी अलग ही राय अलग हो सकती है। हाँ, मुझे राय अलग ही है, क्योंकि विराट कोहली अगर कप्तान होते ना तो मैं मानता कि लंच के आखिरी ओवर्स में शायद हमारे पास बुमराह या सिराज अटैक में देखने को मिलते, और जब दूसरा सेशन शुरू होता तब भी बुमराह और सिराज से ही स्पेल की शुरुआत की जाती, लेकिन रोहित शर्मा मोस्टली इंडियन कंडीशंस में स्पिनर्स पे ज्यादा इफेक्टिव रहते, स्पिनर्स पे भरोसा ज्यादा जताते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि रोहित शर्मा पेसर्स के पास जाएंगे। हालांकि बात आपकी सही है, आपको रफ पैचेस अगर और मतलब चाहिए विकेट पे, आपको तेज गेंदबाजों को अटैक में लाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 8 ओवर की गेंदबाजी की है और उसी में ये डिफरेंस भी रहता है हमेशा विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके, कि रोहित शर्मा थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं, स्पिनर्स पे थोड़ा ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, बात पेसर्स से उतनी नहीं करते, हालांकि स्पिनर्स से भी उनका कुछ खास तालमेल देखने को मिलता नहीं है। और वहीं पे विराट कोहली की जब बात होती थी कप्तानी की, लगातार बातचीत करते रहते हैं गेंदबाजों से, मतलब कहते थे उनको बॉलर्स का कप्तान है, फास्ट बॉलर्स का कप्तान है वो। बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी देखेंगे ना, अखिल सिर्फ 8 ओवर की गेंदबाजी तेज गेंदबाजों ने की है और उसी में ही काफी ज्यादा फुटमार्क समय नजर आ रहे हैं। तो अगर यही 2-2 या 3-3 ओवर का स्पेल अगर और मिल जाएगा यहाँ पर, और दोनों एंड से अगर मिल जाएगा, मतलब ओवर द विकेट और एक रणनीति भी हो सकती है ना, कि आपने सिराज ने 4 ओवर में 28 रन खर्च किए, बुमराह ने भी 4 ओवर में 12 या 20 रन ऐसे कुछ खर्च किए हैं, कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जो अभी पार्टनरशिप हुई है कहीं और ना खुल जाए, क्योंकि बेस्टो को एक ओवर चाहिए, अगर वो थोड़ा और सेट होगा ना फिर लंबी पारी खेलेंगे। शायद रोहित शर्मा के दिमाग में, टीम मैनेजमेंट के दिमाग पे ये चीज भी चल रही होगी कि स्पिनर्स को अटैक पे लगाएं, जडेजा अश्विन और अक्षर यही आपको विकेट चटका के देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी लंच के बाद आते ही फिर से स्पिन का ही पहला ओवर देखने को मिलेगा? मुझे तो मिलता है, मुझे लगता है अश्विन या जडेजा में से कोई एक स्पेल डालेगा और शुरुआत करेगा, और स्पिनर से ही ये पूरा सेशन निकलने वाला है। बीच में आप देख सकते हैं कि बुमराह शायद अटैक में आए। बिल्कुल, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइए अब तक आपको क्या लग रहा है, पहले सेशन में 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर क्या ये गेम, ये सेशन इंडिया के नाम रहा या इंग्लैंड के नाम रहा, आप भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। रविंद्र जडेजा की बात करें, 8 ओवर 34 रन इन्होंने खर्च किए हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा सबकी इसीलिए भी रहने वाली है क्योंकि इंग्लैंड उसी शैली का क्रिकेट खेलने वाला है। यहाँ पर ये चीज नहीं है अखिल कि हम विकेट्स गिर गए तो हम थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि जॉनी बेस्टो दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं जब भी मौका मिल रहा है हाथ खोल रहे हैं। तभी तो 44 में 32 से 5 चौके लगा चुके हैं। हालांकि जो रूट अपना नेचुरल क्रिकेट खेल रहे हैं उनको जानते हैं, वो जितना लंबा खेलेंगे इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड चलाना बहुत जरूरी है, वो काम जॉनी बेस्टो कर रहे हैं, और विकेट पे टिकने का जो काम है, जो रोल प्ले करना है, वो जो रूट वो भी निभा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर 5 गेंदबाज इंडिया के पास है, और अक्षर पटेल को विकेट नहीं मिली यार अभी तक, 4 ओवर में 13 रन। आपने कहा था अक्षर पटेल सबसे ज्यादा विकेट्स लेंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं पनौती हूँ उनके लिए? नहीं, मतलब आपने सुबह एक चैलेंज हराया था ना मुझे, तो मुझे लग रहा है एक चैलेंज आपको भी हारना चाहिए यहाँ से अब कि अश्विन सबसे ज्यादा विकेट्स लेंगे। अच्छा, मतलब आप भी अच्छा, हाँ फिर आपने सही किया, आपने बात घुमा दी, वरना मैं आपको कहता कि आप चाहते नहीं इंडिया को जीतता हुआ। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ इंडिया को जीत। अरे अक्षर पटेल भी विकेट्स लेंगे तब भी हमारे लिए, हमें विकेट्स चाहिए और विकेट्स मिलती रहेंगी। तो लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कितने तक रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए यहाँ पर इंग्लैंड को? 280, मुझे अभी भी लग रहा है कि 280 के अंदर अंदर हम इंग्लैंड को ऑल आउट कर देंगे। और